गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार पीबीआर स्ट्रीम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा वृत्त के पार्ट टू पढ़ाएंगे, तो उसमें देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए उनके क्वेश्चन देखते हैं, उनके क्वेश्चन क्या हम यहाँ पर कह रहे हैं और उस क्वेश्चन का हम उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या है, हमें यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले इसका चित्र बना लेते हैं क्योंकि प्रमेय पढ़ रहे हैं और प्रमेय में बिना चित्र का कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर चित्र बनाना अनिवार्य है। तो पहले चित्र बना लेते हैं इसका। एक वृत्त है, वृत्त बन गया, इसका केंद्र होगा ओ, केंद्र मान लिए ओ। अब आगे जो क्वेश्चन करा वो पढ़ते हैं। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई एक बिंदु है यहाँ पर जो क्यू है, इससे इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, ठीक। इसकी जो लंबाई है वो 24 सेमी है, इसकी लंबाई 24 सेमी तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेमी। इसकी क्यू का ही केंद्र से दूरी 25 सेमी है, 25 सेमी, ये हो गया। तो पूछ रहा, कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए हम इसको यहाँ से इसको मिला देंगे, रचना कर देंगे, इतना ये मिल गया और इसका नाम दे देंगे पी। कल वाले वीडियो में हमने बताया है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच समकोण होता है। ये स्पर्श रेखा है और ये हमारी त्रिज्या है, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ पर समकोण बनाते हैं, अर्थात 90 बनाते हैं। तो अभी देखिए, ये समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज बन गया ये, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर ये भुजा मालूम है, ये मालूम है, ये भुजा निकालना है, दो वैल्यू मालूम है, एक का मान निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लगाएंगे पहले हल, जो मान दिया है, दिया क्या है, पी क्यू बराबर 25, 24 सेमी। उसके बाद क्या है, ओ क्यू बराबर 25 सेमी। निकालना क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या पी ओ, पी ओ ज्ञात करना है, जो त्रिज्या, यही तो पी ओ है हमारी त्रिज्या, तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो लगा देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो ये जानते हैं, त्रिकोण में पढ़े ही होंगे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो यहाँ पर पहले हम कर्ण हेल लेंगे, तो हमारा समकोण ये है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ओ क्यू है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, ओ क्यू का वर्ग इज इक्वल, अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ओ पी का वर्ग और प्लस पी क्यू का वर्ग, ये हो गया। अब हमें जो जो मान दिया रख देते हैं, ये 25 है तो 25 का वर्ग, ओ पी निकालना है रहने देते हैं, पी क्यू कितना है 24 है, तो 24 का वर्ग, 25 में 625 होता है, ओ पी का वर्ग अब ये क्या है, 24, 24 का वर्ग होता है 576, इतना हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, हमें ओ पी चाहिए, ये प्लस में है, तो इधर उठा कर लाएंगे घट जाएगा इसमें, तो आगे करते हैं, ये इधर आएगा तो मिलेगा ओ पी का वर्ग बराबर 625 माइनस 576, तो ओ पी का वर्ग इज इक्वल, तो यहाँ 15, 15 में 6 गए 9, 11, 11 में से 7 गए, 11 में 7 गए, 7 4 11 कितना हुआ 49, तो ओ पी बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ओ पी का वर्ग बराबर 7 का वर्ग,
घात बराबर है दोनों का, जब घात बराबर है तो आधार की तुलना कर देंगे तो ओपी बराबर मिल जाएगा 7 सेमी। ये हमारी त्रिज्या हुई वृत्त की। तो वृत्त की जो त्रिज्या है इस वृत्त की वो कितनी है? 7 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। तो प्रमेय के सवाल में पहला काम सवाल पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया दो बार पढ़िए, पढ़ने के बाद जो सवाल कह रहा है वैसे चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद चित्र से हमें सवाल को हल करना है। तो हमने वही किया, पहले प्रमेय सवाल पढ़ा, चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद जो दिया है उसको लिख लिया, जो ज्ञात करना है उसको भी लिख लिया। लिखने के बाद देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज अगर दो भुजाओं के मान ज्ञात हों तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, कोई भी तीसरी भुजा हो। तो वही यहाँ से हल किए तो हमारा जो त्रिज्या मिला वो कितना मिला? 7 सेमी। तो आप सब इसे उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आकृति में यदि टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश तो कोण पी टी क्यू बराबर है, अर्थात इसका मान हमें निकालना है। तो आकृति चित्र यहाँ पर बना हुआ है, इसी चित्र से हमें हल करना है। तो हल क्या है? इसमें दिया क्या है? दिया है पहला कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश, ज्ञात क्या करना है? कोण पी टी क्यू का मान। तो कोण पी ओ क्यू ये 110 है, निकालना किसको है? पी टी क्यू को, अर्थात इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए एक चीज़ यहाँ और देखिए, सवाल में कहा है कि टी पी तथा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। तो ये जो पी टी है और टी क्यू है ये स्पर्श रेखा है, जब ये स्पर्श रेखा है तो ओ पी और ओ क्यू ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के द्वारा जो बनता है कोण 90 अंश होता है समकोण, तो ये दोनों कोण समकोण हो गए, यहाँ भी समकोण हो गया। तो ये 110 है, ये 90 है, ये 90 है, तो देखिए ये चतुर्भुज है कि नहीं? चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज हुआ, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम 360 में इसका योग प्लस इसका इसमें घटा देंगे 360 में, तो हमें क्या होगा? पी टी क्यू मिल जाएगा। तो हम यही प्रक्रिया करेंगे। तो चूंकि टी पी तथा टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए कह सकते हो कि कोण टी पी ओ इज इक्वल कोण टी क्यू ओ इज इक्वल 90 अंश। टी पी ओ ये वाला कोण, टी क्यू ओ ये वाला, दोनों मिलकर कितने हैं? 90 अंश हो गए। अगला तो लगा देते हैं, एक चीज़ जानते हो कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चूंकि लिखोगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल, तो क्या होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं पी ओ क्यू प्लस कोण टी पी ओ प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण पी टी क्यू इज इक्वल 360। कौन कौन से कोण हैं? पी ओ क्यू ये वाला कोण, दूसरा क्या है? टी पी ओ, कौन सा? टी पी ओ ये वाला कोण, तीसरा कौन सा है? टी ओ क्यू ये वाला कोण, और पी टी क्यू ये वाला कोण, इन चारों का योग 360। अब इसका मान हमें यहाँ पर देखिए 110 है, इसका मान ये देखिए 90-90 है दोनों का, तो 90 अंश प्लस 90 अंश प्लस पी टी क्यू इज इक्वल 360। तो ये देखिए
नब्बे नब्बे 180, 180 200, 290 तो मिलेगा क्या? कोण पी टी क्यू इज इक्वल 360 माइनस कितना जोड़े थे? 90 90 180 200 290 तो कोण पी टी क्यू इज इक्वल तो ये 0 हुआ, 16 16 में से 9 गए 7, 70 अंश। तो कितना मिल गया हमें? 70 अंश। हमारा जो कोण है पी टी क्यू वो कितना है? 70 अंश है। इसको आप सब बता लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब लाइक करिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर करिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हों तो POA बराबर है, अर्थात POA का मान पूछ रहा है। चित्र बना हुआ है, कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों, अर्थात इनका जो ये झुकाव है दोनों कोणों का रेखाओं का वो 80 अंश है, टोटल 80 अंश है। तो कह रहा है कि ये कोण का मान ज्ञात कीजिए। POA का किसका पूछा है? इस कोण का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? POA का मान वो पूछ रहा है। तो ये देखिए, इसके पहले वाले सवाल में भी बताया है कि अगर स्पर्श रेखा है तो और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये 80 है, तो ये चक्री चतुर्भुज है। ये पूरा कोण ज्ञात कर लेंगे हम AOB को। AOB को ज्ञात करके उसका आधा कर देंगे तो ये कोण हमें मिल जाएगा। तो आइए करते हैं हल। क्या होगा? चूंकि PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं तो इसलिए यहां से मिलेगा कोण PAO इज इक्वल कोण PBO इज इक्वल 90 अंश। दो चीज आएगा, PAO और PBO, ये दोनों कोण 90 अंश मिल गए। तीसरा क्या दिया है? कोण APB बराबर 80 अंश दिया है, तो लगा देते हैं। चूंकि चतुर्भुज PAOB में चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों अंता कोणों का योग 360 है, तो यहाँ से मिल जाएगा कोण AOB। कौन सा कोण? ये वाला AOB, ये पूरा कोण प्लस PAO प्लस कोण PBO प्लस कोण APB इज इक्वल 360 है। चारों कोण हो गए। अब इसका मान हम निकालना है, रहने देते हैं। ये हमारा 90 है प्लस ये भी 90 है और ये 80 अंश है, 360 अंश। APB 80 है, ये देखिए PAO 90 है, PBO 90 है, तो कोण AOB इज इक्वल 360 माइनस, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, 90 90 180 और 80 20 60 160 सॉरी 260 अंश, 260 90 90 180 और ये कितना 80 है, सॉरी हाँ सही। तो आगे इसको करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कोण AOB इज इक्वल, इसको घटाते हैं, ये 260 है, ये 360, 360 में 260 घटेगा तो बचेगा कितना? 160 अंश।
हमारा ये कोण आ गया 160 अंश। कौन सा कोण? ये पूरा ए ओ बी। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है वो कोण ए ओ पी का मान, पी ओ ए अर्थात पी ओ ए इतने का आधे का मान। तो लिखोगे चूंकि कोण पी ओ ए कोण ए ओ बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये होता है। सवाल में नहीं कहा है लेकिन प्रमेय होती है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा केंद्र पर बने कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है तो ये अपने आप समद्विभाजक होंगे। तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गए, जब बढ़ गए तो ये पूरा कोण इसका क्या है? समद्विभाजक है। तो इसलिए क्या मिल जाएगा? कोण पी ओ ए इज इक्वल एक बटे दो कोण ए ओ बी। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं तो पी ओ ए इज इक्वल एक बटे दो गुणे 160 अंश। तो कोण पी ओ ए इज इक्वल काट देते हैं ये आएगा 80 अंश। आंसर कितना मिल गया हमारा? 80 अंश, सॉरी आंसर मिला 80। तो हमारा जो ये कोण होगा ये 80 अंश का होगा। उतार लीजिए। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है घटाने में, घटाने में मिस्टेक क्या हुआ? 360 में 260 घटेगा तो 100 आएगा, 160 नहीं आएगा। नहीं सर 100 आएगा। अभी लिखे हैं वहीं पे। हाँ फिर चला बता दीजिए। बता रहे हैं सर, चला बता दीजिए। सॉरी वो गलती हो गई थी, घटाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये 360 में 260 घटेगा तो कितना आएगा? 100 अंश आएगा। तो जब ये 100 मिल गया तो ये वाला कोण भी हमारा कितना होगा? 100 होगा। तो आंसर कितना हमारा मिलेगा? 50 अंश मिलेगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो 50 आएगा। तो ये कोण कितना हुआ हमारा? 50 अंश का हुआ। घटाने में मिस्टेक हो गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसको हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के व्यास हो उसके सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो समांतर होंगी। तो आइए चित्र पहले देख लेते हैं। ये वृत्त है, इस वृत्त के व्यास खींच दिए। व्यास मान लिए कि ये ए है, ये बी है, ए बी व्यास है, ये केंद्र है ओ। इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है। थोड़ा हमारा चित्र बनाने में हो सकता है कि अच्छा ना बने तो इस आप सब लेकिन गोला प्रकार से इसको बनाइएगा, गोला प्रकार पटरी की सहायता से। तो ये जो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं ये पी क्यू मान लेते हैं, इसको सी डी, ये स्पर्श रेखा है पी क्यू और सी डी। ये स्पर्श रेखा, यही सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है पी ए क्यू और सी बी डी ये दोनों आपस में समांतर होती हैं। यह ऐसे कहा जाए कि पी क्यू समांतर सी डी, ये आपस में क्या होती हैं? समांतर। तो इसमें सिद्ध करने में प्रमेय हमने पहले ही बताया, अगले वीडियो में बताया है कि सिद्ध करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो चार स्टेप लेकर हम चलेंगे यहाँ पर। तो पहला स्टेप ज्ञात है, तो हम यहाँ पर पहला स्टेप करते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या होता है? जो हमें क्वेश्चन से प्राप्त हो। क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, उस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, उस वृत्त की क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ज्ञात है में लिखेंगे वृत्त सी ओ आर की स्पर्श रेखाएं पी ए क्यू तथा ऐसे कहिए के व्यास, वृत्त इतने के व्यास के सिरों पर, के सिरों पर खींची गई
स्पर्श रेखाएं पी ए क्यू तथा सी बी क्यू हैं। ज्ञात है में क्या है कि वृत्त सी ओ आर के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए क्यू तथा सी बी क्यू है। यही दोनों हैं, ये वृत्त का व्यास है ए बी, इसके दोनों सिरों पर दो रेखाएं खींची गई हैं स्पर्श, एक पी ए क्यू है और दूसरी सी बी डी है, वो ज्ञात है, हमें लिख लिए। सिद्ध क्या करना है कि यही दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होंगी, तो सिद्ध करने में पी क्यू समांतर सी डी। और तीसरा स्टेप आता है रचना, तो रचना इसमें कहीं नहीं किया गया इसलिए रचना नहीं करेंगे। चौथा स्टेप आता है उपपत्ति, उपपत्ति में क्या होता है इसका पूरा हल होता है। तो उपपत्ति ये बताइए कि ये स्पर्श रेखा है और ये इसकी त्रिज्या होगी, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच समकोण होता है, इधर ये समकोण बनाएगा, समकोण इधर भी बनाएगा, दोनों तरफ बनेगा। इधर आइए, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो समकोण इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, दोनों तरफ समकोण बना। तो ये बताइए कि ये वाला कोण और ये दोनों समकोण है, दोनों बराबर हैं, और जब दोनों कोण बराबर हैं तो बराबर तभी होते हैं एकांतर कोण जब किसी समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा खींची जाए। अगर ये समांतर रेखा है, इस पर तिर्यक रेखा खींची गई है, तो ये कोण इसके बराबर कब होगा, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये दोनों रेखाएं समांतर। तो अब वही कंडीशन यहाँ है कि ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये वाला इसके भी बराबर है, हाँ होगा, दोनों नियम से होगा, ये वाला कोण इसके भी बराबर कर सकते हो तब भी एकांतर होगा, और ये इसके बराबर होगा तब भी एकांतर होगा। तो जब ये दोनों एकांतर कोण हैं, और एकांतर कोण तभी होता है जब दोनों रेखाएं समांतर हों, तो ये एकांतर है तो ये रेखा आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो आइए आगे करते हैं, तो इसमें लिखेंगे क्या, चूंकि पी ए क्यू तथा तो क्या है, पी ए क्यू तथा सी बी डी स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों स्पर्श रेखा हैं। तो जब दोनों स्पर्श रेखा हैं तो ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है, तो इस ये कोण 90 अंश होगा, तो हम पी ए ओ बराबर 90 अंश। दूसरा सी बी डी भी स्पर्श रेखा है और ओ डी ओ भी त्रिज्या है, तो ये वाला कोण भी 90 होगा, तो ये 90। अब ये जानते हैं कि अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से एक पक्ष बराबर, तो लिखेंगे समीकरण एक व दो से, एक पक्ष बराबर दूसरा बराबर, तो मिला क्या, कोण ये बराबर है तो इधर वाले बराबर, पी ए ओ इज इक्वल डी बी ओ के अब देखिए ये दोनों कोण, एक क्या है पी ए ओ है, और दूसरा क्या है डी बी ओ है, तो डी बी ओ है। अब ये देखिए दोनों एकांतर कोण हैं, तो चूंकि दोनों एकांतर कोण हैं, और जब एकांतर कोण हैं तो एकांतर कोण तभी होगा ये दोनों, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि पी क्यू समांतर सी डी, ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ये हमारा सिद्ध हुआ, तो समझ में आया होगा, इसको उतार लीजिए आप सब।